तेल की मांग कमजोर होने से सरसों भाव में कमी देखने को मिली है। दरअसल लंबे समय से किसान सरसों में तेजी आने का इंतजार कर रहे हैं और अब सीजन भी बीत चुका है। जल्द ही अगले कुछ महीनों में नई सरसों मंडी में आना शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में सरसों का भाव फिलहाल एक जगह टिका हुआ है। वहीं तेल मिलों की मांग कमजोर बनी रहने से घरेलू बाजार में बीते दिनों सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 74 रुपए घटकर 6576 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। इसी दौरान सरसों की दैनिक आवक में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं विदेशी बाजारों की बात की जाए तो विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव में मिला जुला रुझान देखने को मिला है। हालांकि घरेलू बाजार में तेल मिलों की कुछ कम मांग देखने को मिल रही है। व्यापारियों के मुताबिक खाद्य तेलों में ज्यादा खपत का सीजन चल रहा है, इसीलिए घरेलू मांग तो बन रही है, लेकिन तेजी मंदी विदेशी के भाव के हिसाब से देखने को मिल रही है। उधर पाम तेल के उत्पादन में सख्त सप्लाई की संभावना के कारण विदेशों में खाद्य तेलों के भाव में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जनवरी से पाम तेल के निर्यात नियमों को कड़ा करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल खाद्य तेलों में मिला जुला रुझान बना रह सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों में बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर भी बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। डालियन एक्सचेंज में भी सोया तेल में गिरावट दर्ज की गई है और पाम तेल में भी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देश भर की मंडी में सरसों की दैनिक आवक की बात की जाए तो हफ्ते में दैनिक आवक बुधवार के दिन 1,85,000 बोरियों की हुई, जबकि मंगलवार को इसकी आवक 2,00,000 बोरियों की देखने को मिली थी। यानी दिन प्रतिदिन फिलहाल सरसों की आवक में कमजोरी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।